ब्राह्मण विरोधी टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए ओबीसी नेता प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी में शामिल किया गया है। और भोपाल में पार्टी में शामिल होने के बाद ग्वालियर पहुंचे प्रीतम लोधी आज ग्वालियर के फूलबाग स्थित गांधी और अंबेडकर उद्यान पहुंचे। यहां पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रीतम लोधी ने कहा कि जब भाजपा से निष्कासित हुआ था तभी मैं बाबा साहब का आशीर्वाद लेने आया था और आज जब दोबारा भाजपा में शामिल हुआ हूँ तो फिर दोबारा से बाबा साहब का आशीर्वाद लेने आया हूँ, जैसे गरीब शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दो पूरी ताकत के साथ काम कर सकूँ, यही मेरा संकल्प है और यह मेरी प्रतिज्ञा है। प्रीतम लोधी के साथ अंबेडकर उद्यान में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद रहे। भैया ग्वालियर आए हैं बीजेपी सदस्यता लेके, क्या मानते हैं? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया था, जब भी मैं बाबा साहब के चरणों में आया था, बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया और यही मैंने बाबा साहब के चरणों में ही मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि अब जो जीवन जीना है वो गरीबों के लिए जीना है। बाबा साहब से आशीर्वाद लिया, बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी दिन से बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी दिन से मैं पूरे देश में भ्रमण करने लगा, जाने लगा, लोगों की पहचान बना और लोगों के काम आया मैं। अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है, मैं फिर आया बाबा साहब के, अब मुझे दुगनी ताकत दो, इस दुगनी ताकत से मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है देश की जो कि देश में मैं गरीबों की सेवा कर सकता हूं, उससे ओबीसी एससी एसटी की बात कर सकता हूं मैं। क्या लगता है? अब देखिए, अब जो पार्टी गाइडलाइन चलेगी, पार्टी की जो भी गाइडलाइन देगी मुझे, उस गाइडलाइन पर चलूंगा मैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता भी खत्म कर दी गई है। अब देखिए, ये कोर्ट का मामला है, ये आम पब्लिक का मामला नहीं है, ये कोर्ट के डिसीजन है, इस पर अपन कोई नो क्वेश्चन इसके अंदर।